सोमवार को अजनी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले शताब्दी चौक में दो गुटों में विवाद हुआ, जिसमें गुलफाम नामक पान ठेला चालक को जान से मारने का प्रयास किया गया। रामटेके नगर में सोमवार को मामूली विवाद के चलते दो गुटों में आपसी भिड़ंत हुई, जिसके चलते परिसर में तनाव का माहौल हो गया। रात के करीब 11:30 बजे शताब्दी चौक स्थित गुलफाम की पान टपरी पर आरोपी प्रताप लोंडे और रुतिक डुंडो सिगरेट पीने गए थे। सिगरेट पीने के बाद गुलफाम ने पैसे नगद मांगे, जिसको लेकर विवाद हुआ। आरोपी ने ऑनलाइन पैसे देने की बात की तो बात और बढ़ गई, जिसके चलते गुलफाम के परिवार और आरोपी के बीच मारपीट हुई। बाजूला रामटेके नगर आहे, तिथे अमलरंगांचा एक पांढेला आहे। पांढेला बंद असताना त्याच्या घरीच पांढेला असल्यामुळं तिथं टोलीतला एक व्यक्ती आहे प्रताप सिंग लोंडे, त्यांनी त्याला सिगरेट मागितली। तो सिगरेटच्या न देण्याच्या आणि पैशाच्या ह्याच्यावरून त्याच्यात वाद झाला आणि शिवीगाळ होऊन पण मन आपला गुलफाम रंगाडी याने त्या प्रताप सिंग लोंडेला लाकडी फडीने मारहाण केली होती। त्यावरून त्याचे प्रताप सिंग लोंडेचे घरचे लोक आणि त्याचे मित्र वगैरे येऊन त्या रंगाडीच्या घरावर दगड वगैरे फेकले होते आणि लाठ्याकाठ्या घेऊन त्याच्यावर हमला केला होता। त्यावरून दोन्ही रिपोर्टरच्या तक्रारीवरून आपण दोन्ही गटांविरुद्ध तक्रार गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्याच्यामध्ये गुलफाम रंगाडीच्या तक्रारीवरून एकूण 14 लोकांवर गुन्हे दाखल आहेत आणि त्याच्यातले 5 आरोपी अरेस्ट आहेत आणि त्यांचा 26 एसीआर आहे। आणि प्रताप सिंग लोंडेच्या तक्रारीवरून अमन रंगाडी आणि गुलफाम रंगाडी यांच्यावर एक गुन्हा दाखल आहे, त्याच्यामध्ये दोन्ही 8 आरोपी अटक झाले आहेत। मारपीट होने के बाद प्रताप अपने गुट को लेकर गुलफाम के घर में हमला किया। हमले में उसके घर के लोगों की और सामान की तोड़फोड़ की गई और घर वालों को जख्मी किया। अजनी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहरहाल अजनी पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है, जहां एक ओर पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है और कड़े नियम दिए जाते हैं, तो वहीं यह दूसरी ओर नियमों की धज्जियां उड़ाती हुए पान ठेले, टपरी, सावजी ढाबे खुलेआम रात भर चालू रहते हैं। क्या इस ओर पुलिस का ध्यान रहता है या नहीं, यह भी एक सवाल निर्माण हो रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ स्वप्निल बुंदाड़े, BCN न्यूज़ नागपुर।